हे गाइस, वेलकम बैक टू एपिसोड 9 ऑफ नेक्रोमंडा हाइडगन। सो लास्ट एपिसोड में हमने वीरैक्स नाम का एक गिल्डर था, उस पर किसी ने बाउंटी लगा दी काफ़ी बड़ी सी, एंड उस पर काफ़ी सारे, आपको पता है, बाउंटी लगा दी, तो मर्सनरीज और जो दूसरे गैंग के मेंबर्स है वो सब हमला कर दिए थे, एंड हमें उसे गार्ड देना था। तो बेसिकली पिछला मिशन पूरा ऐसा था कि एक जगह पर रुक के जो भी एनिमीज आ रहे हैं उन सबको मारना था। तो उसके बाद जब हम उसे बचा लेते हैं, उससे हमें ये पता चलता है वीरैक्स और उसका भाई, आपको बता दूँ उसका भाई वही गिल्डर है जो मिशन 1 में हमें पता चला था कि किसी ने ये गिल्डर को मार दिया, एंड फिर हम उससे, मतलब जिसने, जो असैसिन है उसे मारने गए थे सबसे पहले मिशन में, तो वही गिल्डर जो मरा था वो वीरैक्स का भाई था। सो बेसिकली उन लोगों को एक साल पहले एक जगह से ऐसे काफ़ी एंशियंट नहीं बोल सकते, जो रेयर, हाँ काफ़ी रेयर बायोनिक्स, जो ये बायोनिक्स यानी कि आप समझ गए होंगे, जो भी हमारे एनहांसमेंट्स लगते हैं हमारे हाथ पे, पैर पे, सर पे वगैरह, जो भी रोबोटिक पार्ट्स है जो हम ये डॉग से लगवाते हैं, तो यार ये काफ़ी रेयर बायोनिक्स उन्हें मिले थे। एंड क्योंकि ये बायोनिक्स के पीछे कुछ और लोग पड़े हैं, प्रॉबेबली हमें लग रहा है एक सिल्वर टैलोन नाम का एक मिस्टीरियस सा बंदा पड़ा है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। माई बेस्ट गेस इज कि ये जो हब है सेंट्रल हब मार्टियस एंड, इसी में से कोई एक बंदा होगा सिल्वर टैलन, मुझे ऐसा फील आ रहा है लेकिन मैं श्योर नहीं, हो सकता कोई और भी है। तो उस बायोनिक्स के पीछे ये लोग पड़े हैं, उसके वजह से वीरैक्स के सर पे भी बाउंटी लगी है। तो वीरैक्स के सर पे ये जो बाउंटी लगी है, ये एक तरीके से कोई यहाँ पे ऐसे रूल के अकॉर्डिंगली नहीं लगे, तो जो भी इसको मारने आते वो लोग एक तरीके से आउटलॉज या फिर क्रिमिनल्स बोल लो वही है। तो अभी नेक्स्ट मिशन स्टार्ट करते हैं, आई थिंक मिशन नंबर 7 होगा एग्जैक्टली नंबर पूछा जाए, तो देखते हैं उसमें स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। उससे पहले देख लेते हैं कि हम लोग कुछ लगा सकते हैं क्या, 64,000 पड़े हैं तो। अच्छा, इससे आई थिंक ग्रैपल लॉन्चर, यप हम 3 बार यूज़ कर सकते हैं, दैट विल बी नाइस। अभी हम ग्रैपल लॉन्चर जो है, जो हमारा ग्रैपल हो गया, वो हम 2 ही बार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद छोटा सा आई थिंक 5 सेकेंड का कूल डाउन कुछ होता है, उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। तो 3 बार इसको कर लेते हैं, ये सही रहेगा। ये क्या है? अच्छा, वॉल रन वगैरह मैं उतना करता नहीं हूँ। दूसरी ये चीज़ क्या है? हाँ, दिस सीम्स यूजफुल, ये जो हम एनर्जी वेव मारते हैं। बाकी देखते हैं थोड़ा सा और क्या क्या अवेलेबल है। इंटरनल्स हम 25,000 का हमारी लाइफ और बढ़ा सकते हैं। ओके, स्ट्रेंथ बूस्टर, इससे क्या होगा? एनर्जी बोनस, हाँ एनर्जी बढ़ा लेते हैं, सही रहेगा। एनर्जी यानी कि जो ब्लू कलर का बार हमारे लाइफ के ऊपर होता है, दैट विल बी एनर्जी। सेरिब्रल एक्सप्लोरेशन, क्रिटिकल डैमेज, ओके दैट्स नाइस, एंड मैक्स रिफ्रैक्टर फील्ड 29,000, ये काफ़ी महंगा है, बट आई थिंक रिफ्रैक्टर फील्ड से एक तो हमारे कुछ एबिलिटीज यूज़ करने के लिए लगते हैं, बाकी हमारे सामने एक शील्ड टाइप की बन जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा एनिमीज के आगे ब्लू कलर की शील्ड होती है, तो सिमिलरली हमारे ऊपर भी होती है, तो वो शील्ड खत्म होने के बाद हमारे एक्चुअल लाइफ को डैमेज होती है, तो दैट्स यूजफुल। भले ही 30,000 का था तो वो भी यूज़ कर लिया मैंने। अट्रैक्शन कंट्रोल, ये क्या करता है? डॉज, ओके डॉज, डॉज के चांसेस बढ़ाता है आई थिंक हमारा। ओके गाइस, तो सारे अपग्रेड्स मैंने कर दिए हैं। आज ही गेम का एक नया अपडेट आया था, उसके बाद गेम पता नहीं 2 बार क्रैश हुआ कंटिन्यूसली, ये जब मैं अपग्रेड्स कर रहा था उसी के बीच में। तो 1-2 अपग्रेड तो आपने देख लिया, मैंने ग्रैपलुक का किया था, फील्ड ये जो ब्लू वाली बार है, आर फील्ड यानी कि रिफ्रैक्टर फील्ड, वो बढ़ा ली, उसका एक अपग्रेड किया, एंड नहीं स्ट्रेंथ बूस्टर तो नहीं किया था, एक और अपग्रेड किया था, एक सेकेंड, आई थिंक फोर्स फील्ड वाली एबिलिटी अपग्रेड की थी, अब हेवायर पल्स वाली एबिलिटी अपग्रेड की, एंड एक और, अच्छा वो एम वाली, परफेक्ट एम करके एक एबिलिटी थी, ये रहा परफेक्ट एम, इसे अपग्रेड कर लिया। तो अभी हमारे पास 16,000 बचे, और आई थिंक ब्लास्ट, शॉक, क्रश विल बी वेरी यूजफुल, क्योंकि क्रश मैंने देखा है कि बड़े जो एनिमीज है ना उनको भी कभी कभी मार देते हैं, अगर उनकी हमने थोड़ी सी लाइफ पहले कम कर रखी है एंड क्रश किया, तो इसलिए ये देख सकते हो 8,000 की है उसका अपग्रेड। बाकी रैंक देते हैं फिलहाल, 7,000 बचा के रखते हैं। तो नेक्स्ट मिशन स्टार्ट करने से पहले बारटेंडर से बात करना है हमें, देखते हैं इसका क्या बोलना है। तो कोल्ड ब्लैक, एवरीवन नोज अबाउट दैट, कोल्ड ब्लैक, या दैट्स व्हाट दे स्टार्टेड कॉलिंग इट, ओके। तो ये एज़ फार एज़ एनीवन कैन टेल, इट्स व्हाट यूज्ड टू बी ब्लैक लेवल ऑफ अ डोम कॉल्ड सोरियन गामा 5 or something like that. Okay, but everyone started calling cold black after stuffs started happening there. Over the Archaeotech. Nobody's going to worry about that around here. That's everyday business. Phir kya? A lot of strange stuff started turning up. Strange. Stranger than that second best you're drinking. Of course, strange means rare and rare means valuable. So there were a lot of people out looking for it.
ओके or not coming back at all. What kinds of stories? People going missing, things in the dark, voices, strange dreams, nightmares, visions. About what? About what those two guilders were up to. So if you're wondering what got Morrow killed, well, I guess the answer could be out there. And what's going on out there now? I heard that since Morrow got shot, most of the territory around there has been Orlok. A gang called the Scrapjacks have got control of most. Scrapjacks, okay. तो डोम वही जगह जहाँ पे मैंने बताया जहाँ से रेयर मटेरियल्स वगैरह निकल रहे काफी एंड अभी स्क्रैपजैक्स करके एक गैंग है जिनका जिन्होंने उधर कंट्रोल लेके रखा है. तो बार्टेंडर का बोलना ये है कि मे बी हम उधर जाए तो हमें मोरो को क्यों मरवाया गया है उसकी मिस्ट्री विस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा चीज पता लगे. मोरो वही गिल्डर है जो मिशन वन में मारा गया था. मिशन वन हमारा ये था कि कोई तो रैंडम गिल्डर मर गया उसके एसासिन को जाके मारो. तो वो मोरो है वीरैक्स का भाई. तो चालू करते हैं नेक्स्ट मिशन. नहीं वो हमें डोम रनने से बात करनी पड़ेगी ना डोम के लोकेशन के लिए. ओके ये मैं भूल जाता हूँ मिशन. Heard you got old Verax out of trouble. Well done, the crafty old rat. Even I didn't know about that little escape tunnel office. Okay. Done him without me. So Domran is kind of our map man, जिसे सारे location पता है. इसलिए इसने ऐसा बोला कि इसे खुद वो टनल के बारे में पता नहीं था जो हमने पिछले एपिसोड में escape route use किया. Okay. ओके तो ये हमें बता देगा लोकेशन किधर है. लेट्स स्टार्ट द मिशन. कोल्ड ब्लैक हमारे नेक्स्ट मिशन का नाम है. मुझे पता नहीं टोटल गेम में कितने मिशन होंगे. 15 से 20 के आसपास होंगे मैं सोच रहा हूँ कंपेयरिंग द लेंथ. एक मिशन करने के लिए नॉर्मली आधा घंटा लगता है. सो इफ देयर आर आई थिंक 15 टू 20 मिशन तो 10 आवर्स के आसपास का गेम रहेगा एक्सक्लूडिंग साइड मिशंस ऑब्वियसली. तो गन्स मैं ये गन बदलने की बात कर रहा था. शॉर्ट गन नहीं ये रखते हैं. प्लाज्मा की डैमेज देखा 103 लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि वो डैमेज ज़्यादा कर रहा है या फिर मैं मिस कर रहा हूँ क्योंकि उसके शॉट्स इतने बल्कि है ना प्लाज्मा राइफल के मुझे सामने का कुछ दिखता नहीं है फायर करने के बाद. मैं वापस इस पर स्विच करूँगा. ओके दिस गन इज़ गुड. ये गन काफ़ी बढ़िया है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ. यहाँ पे मेरे पास कुछ और नहीं है इसलिए जो मैं शॉटगन यूज कर रहा हूँ ना उसी का एक रेंज्ड वर्जन है. रख लेते हैं क्या पता काम आ जाए. हील खरीद लिया स्टिम ले लिया. हील महंगे हो गए क्या थोड़े से लग रहा है. डिफ्यूजर वगैरह तो है. ये क्या काम आता है. नो वन नोज इफ द मैप्स आर रियल और फेक. ऑटोमेटिकली कंज्यूम्ड व्हेन ओपनिंग अ नॉन ट्रैप्ड और डिफ्यूज्ड जस्ट टू ऑगमेंट इट्स ड्रॉप रेट. अच्छा ड्रॉप रेट बढ़ा था ठीक है. ऑटोमेटिकली कंज्यूम्ड व्हेन ओपनिंग अ नॉन ट्रैप्ड टू मेक इट ड्रॉप एटलीस्ट वन अनकॉमन और रेयर आइटम. ट्रेजर मैप 12,000 रैट स्किन. अच्छा तो ये चांसेस बढ़ाता है और ये अगर लिया तो 100% एक अनकॉमन या रेयर आइटम मिलेगा. तो ये एक ले लेते हैं क्योंकि 12,000 तो है नहीं हमारे पास वैसे भी. ओके लेट्स स्टार्ट द मिशन. बढ़िया. You have heard rumors of recently rediscovered dome containing ancient technology treasures. The silver talon appears more than a little interested in it, but you are also heard about the darker rumors, okay? Of something sinister lurking in the cold black. I think might be something like a monster or kuch jiska boss fight aane wala hai jaldi. Head into the mysterious dome and find the source of the architect that's been finding its way out into the parts of the underhive, okay? आर्कियोटेक किधर से आ रहे हैं भैया. As you can, the route. The route the prospectors have been taking is right up ahead. You'll see a few signs of them coming and going, I reckon. I'll keep watch here a little while. ओके तो इसने हमें एंट्रेंस तक लाके छोड़ दिया. कांट बी एनी वर्स देन द ट्रबल वी आर ऑलरेडी इन. नाइस तो इसने हमें बोला कि थोड़ा सा छुप छुप के जाओ ज्यादा सही रहेगा लेकिन ये गेम स्टेल्थ गेम नहीं है
तो फिर मुझे लग नहीं रहा कि छुपना कोई ऑप्शन होगा. आई कैन ऑलरेडी सी एनिमी, दो एनिमीज. ओके थोड़ा सा छुप के जाने की ट्राई करते. अच्छा शॉर्ट गन किधर के, स्नाइपर शॉर्ट गन, लेट्स ट्राई दिस. ओके स्नाइपर शॉर्ट गन. ओके दिस इज वेरी यूनिक ये गन. आई ऑलरेडी लाइक द शॉर्ट गन, छोटा वाला जो है स्नाइपर शॉर्ट गन इज लाइक समथिंग एल्स. इसके और पैचेस लाना जरूरी है. कभी कभी थोड़ा सा फ्रेम लैग या एकदम से ऐसा स्टक रहता है थोड़ा बहुत. इसने अपने आप रेजोल्यूशन चेंज कर दिया था गेम ने, एक बार 2K चले गया था, फिर मैंने वापस HD पे किया. ओह शिट ग्राउंड शेक कर रहा है. आई थिंक देयर इज अ, मुझे लग रहा है एक बड़ा सा बॉस फाइट होगा, मॉन्स्टर काइंड ऑफ समथिंग. कोई एनिमीज वगैरह क्यों नहीं दिख रहा है. तो जिन दोनों को हमने मारा मुझे लग रहा है वो भी एक्सप्लोरर ही थे बस. ओके देयर देयर आर सम एनिमीज, काफी दूर है. रेडियस काफी ज्यादा हो गया मेरे डॉग का, उसको और अपग्रेड करूंगा और काफी दूर तक डिटेक्ट करेगा ये. अभी भी ग्राउंड शेक कर रहा है. उसके पास एक वो गन है, प्लाज्मा राइफल. ये क्या हो रहा है पीछे? अरे पीछे और एनिमीज थे, कोई नहीं, इसलिए तो स्टिम लेते हम. स्टिम बढ़िया. किधर है किधर है बे? अबे ये तो इधर ही है. ओ नाइस, ये ले मर गया. बस 5 सेकेंड रहता है वो परफेक्ट है, 5 सेकेंड में जो करना है कर लो. स्टिम काफी यूजफुल है, ऐसे अनएक्सपेक्टेडली कहीं पे मरोगे ना, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग टू द चेक पॉइंट या फिर वापस स्टार्टिंग से करने से अच्छा है स्टिम लेके रख लो. स्टिम वैसे थोड़े से महंगे होते हैं. वन मोर एंड ही इज डेड आई थिंक. बढ़िया. अरे हाँ मर गया ना, सही है. किधर गया? ओ शिट और एनिमीज आ रहे. नाइस एटलीस्ट ही इज डेड. बढ़िया, एक को तो हमारे कुत्ते ने मार दिया. हाँ मैं डॉच करके उसके बुलेट में घुस गया. ये क्या चीज है? कांट कैन स्टिल कैरी, क्या लिख के आया था? पावर पावर सप्लाई कुछ चालू करनी पड़ेगी शायद इसको यूज करने के लिए. ठीक है. अच्छा कैन स्टिल कैरी वन, एक और चाहिए. टोटल ऐसे 3 चाहिए आई थिंक उसको चालू करने के लिए. रिपेयर पार्ट्स है वो, देखने दो. हो गया क्या? हो गया हो गया हो गया. बढ़िया.
ओह सेव पॉइंट नाइस। तो इधर बेसिकली ये चेक पॉइंट काइंड ऑफ होता है। अभी अगर मैं मरा तो यहाँ से वापस मिशन स्टार्ट होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं अभी तक कोई मेन मिशन में मरा नहीं हूँ, स्टीम ने मुझे हर बार बचाया है टाइट स्पॉट्स पे। तो एनिमीज होंगे आ गया एज यू। एनिमीज देख नहीं रहे, इसका मतलब मुझे अब फील आ रहा है बॉस फाइट का। तू इधर कैसे आ गया? टेलीपोर्ट करके आ गया। ये गेम की ग्राफिक्स थोड़े पॉलिश्ड होते हैं ना, बहुत मजा आता है एक्चुअली। क्या ये व्हाट द हेल वाज दैट? वेयरवुल्फ जैसा कुछ था क्या? डोंट नो, कुछ तो खतरनाक सा है। यू कैन सी ऑल द ब्लड हियर। शिट, क्या पटा? ये लाइफ कैसे जा रही है? मैं पॉइजन वॉइजन कुछ हुआ शायद। लूट, कुछ अच्छा सा गन। ओके ये क्या गन है? स्कैटर। ओके इन्वेंट्री में चले गया, ये भी इन्वेंट्री में चले गया। ब्लू वेपन्स है, दैट्स नाइस। आई थिंक स्कैटर पर्पल था, ये ब्लू है स्ट्राइकर। स्कैटर देखते हैं। ओह ये लाइफ कम कर रहे हैं मेरी, ठीक है। ओके काइंड ऑफ पॉइजन। ओ मुझे लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है। एनिमीज नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा है। एनिमीज नहीं दिख रहे, इसका मतलब इधर कुछ खतरनाक सा है जो सबको मार रहा है। एक इसको चालू करने के लिए एक ही काफी है क्या? स्टिल कैरी टू। एक और होगा इधर कहीं पे। हाँ वो रहा, दो से हो जाता है आई थिंक। नहीं हुआ, एक और है क्या? ये रहा, पहला वाला दो से हो गया था। क्योंकि एग्जैक्टली दिखते हैं कि कितने चाहिए रॉड्स। ओह आई थिंक मैंने पहले दो प्लेस किए, ये तीसरा प्लेस किया। ओके हमें बस देखना है कि कितने गैप्स अवेलेबल है। भर भर के एमोज है एंड एक और सेव पॉइंट है। ये मैं बोलूंगा पहला मिशन होगा जिसमें कम से कम एनिमीज दिखे, क्योंकि हम एक डेंजरस एरिया में आए जहाँ पे ऑलरेडी कुछ है जो सारे लोगों को मार रहा है। ओके लेट्स सी। ओह मशीन गन, ये उठा सकते हैं क्या? मुझे लग नहीं रहा। ओ इसे जो यूज कर रहा था ये बंदा मर गया है। लॉर्ड आई वॉज होपिंग कि हम इसे यूज कर सकते हैं बट नहीं। स्नाइपर शॉटगन, अभी तक मेरे दिमाग से वो चीज जा नहीं रही है, स्नाइपर शॉटगन वाली। बढ़िया और कुछ? ओह शिट क्या फोड़ा इसने मेरे ऊपर? अंदर और एनिमीज है। उस साइड क्या था? ओ शिट ये फट रहा है। ओके मैं वही सोचा एनिमीज ने मुझे स्पॉट कैसे कर लिया। अब स्पॉट किया उन्होंने। ये बहुत सारे लगे हुए हैं, मुझे लगा थोड़े से ही थे। ओके टाइम टू स्नाइप सम पीपल। बढ़िया
वो टेलीपोर्ट हो गई है। परफेक्ट टाइम की तरह ही है। नाइस। ओ बस इन्हें मारना था। ओके कटसीन अपने आप चालू हो गया। ये रहा वो ये व्हाट द हेल इज दिस। और इसके फॉलोवर्स भी है। ओके एलियन आइसोलेशन खेल रही है मैं। क्रश ये ले। ओए मेरे कुत्ते को छोड़। ओ ये तो मर गया। नहीं कुत्ता तो जिंदा हो जाएगा। अच्छा अच्छा तो ये बॉस नहीं था। ओके मुझे लगा बॉस है वो बट वो बॉस नहीं था। आई वॉज थिंकिंग समथिंग लाइक अ बॉस फाइट इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे भागा ताकि हम सब रिपोजिशन कर सके स्ट्रैटेजी थिंक कर सके। ये तो काफी जल्दी मर गया। एक्चुअली वेपन व्हील के सारे एबिलिटीज मुझे यूज करना सीखना होगा। हेवाय पल्स जो है ओए। ओके ओ भाई ये नेक्रोमंडा से अब हॉरर गेम कैसे बन गया। तो हेवाय जो है ये अभी तो आपने देखा है एक फोर्स फील्ड से भेजता है। परफेक्ट टाइम पता ही है। एमबॉट बेसिकली हाइटेंड सेंसर स्ट्रेंथ बूस्ट मुझे उतना पावरफुल लगता नहीं है। बेसिकली हम हाथ में नाइफ निकाल के भाग के जाते हैं एनिमीज को मारने। ब्लास्ट में हम समथिंग काइंड ऑफ लेजर्स मारते हैं। क्रश बहुत यूजफुल एबिलिटी है टेलीपोर्ट करके एनिमीज के मुंह पे मारते हैं। काइंड ऑफ बड़े एनिमीज को भी मार देते हैं काफ़ी जल्दी। ऑगमेंटेड रे यानी कि हीट विजन टाइप का सारे एनिमीज दिखते हैं रेड कलर के। शॉर्ट गन लेके चलते हैं। ये जो एलियन टाइप के नए एनिमीज अगर मुंह पे आए तो यही रख के फोड़ेंगे इनको। शॉटगन का डैमेज सबसे ज्यादा है फिलहाल के लिए। यूज क्या यूज करना है। एक्सप्लोर द स्ट्रेंज शिप। ओके सो ये पूरा का पूरा शिप है जिसे ये डोम करके बोल रहा है। सो क्योंकि ऐसे जानवर हमें इसके अंदर दिख रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है ये एलियन शिप तो नहीं है क्योंकि नेक्रोमंडा आपको पता होगा ये अर्थ पे बेस नहीं है एक दूसरा प्लैनेट है। एंड ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट थ्रू आउट द यूनिवर्स हर जगह पे अपनी सिविलाइजेशन बना चुकी है। बढ़िया। मर गया। बढ़िया। ओ शिट इधर सामने और है। ये लोग पास आ गए टेलीपोर्ट मार के। मर गए। शिट वेर आर दे ओके नॉट सो डेंजरस बट थोड़े से स्नीकी है डेफिनेटली। ये जो बस आ जाए मुंह पे फोड़ूंगा शॉटगन रख के। भाग गया वापस। किधर है ये ले। Got it. अच्छा भाई अब जाना किधर है। मैंने वो लेवर घुमाया था ना कुछ तो खुला हो गया यहाँ पे। हाँ ये रहा एक्सप्लोर। ये थोड़ा मिशन बड़ा लग रहा है। तीन चेक पॉइंट मिल गए ऑलरेडी हमें।
नॉर्मली मिशन में तीन चेक पॉइंट ही होते हैं, देखते हैं पता चल जाएगा बड़ा है कि नहीं। साइड कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, मे बी अ लूट बॉक्स और समथिंग लाइक दैट। नहीं कुछ नहीं है, नीचे गिरे तो पक्का मारे, मेरा एक्सट्रीम वेस्ट हो जाएगा दैट्स फॉर श्योर। हाँ या ओ गन रैथ शॉटगन है क्या? तो अभी जब भी गन मिलता है ना तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसे इक्विप कर सकते हैं तो मेरे पास जो गन रहेगा ये मेरे इन्वेंटरी में चला जाएगा, या फिर इसे इन्वेंटरी में भेज देते हैं क्योंकि पर्पल गन इक्विप करते हैं, देखते क्या सीन है। ओ ये तो ग्रेनेड लॉन्चर निकला, मेरे कौन सी गन गई पे? अच्छा गई, अच्छा ये स्पेशल वेपन है ना इस वजह से, ओके ग्रेनेड लॉन्चर है ये, ओके गॉट इट नाइस। 16 ग्रेनेड्स है, अगर वो प्राइमरी वेपन होती ना तो मेरा ये वाला गन गायब हो जाता। अच्छा अब जाना किधर है, मैं रास्ता भटक गया हूँ टोटली। एटलीस्ट एक्सप्लोर करने की वजह से ग्रेनेड लॉन्चर तो मिला, बढ़िया। ओके इधर कहीं पे था, ये रहा ग्रीन, फॉलो द ग्रीन लाइट। खुलता है क्या दरवाजा? नहीं। वो सामने वाला दरवाजा काफी खतरनाक सा लग रहा है, वो दरवाजा खुलेगा, वो खोलने के लिए हमें इधर कुछ करना पड़ेगा। यप इसमें कितने मिसिंग है, 1 2 3 4, एक तो इधर ही पड़ा हुआ है ये ले, और तीन चाहिए। जाके लेके आते और एक बचा किधर है बे? वापस खोद के भाग गया। ओके हाइड एंड सीक खेलना है इसको, नाइस। शिट और आ गए, किधर है? काफी सारे आ गए ये तो, छह छेद मारे शायद मैंने, पांच छह। ओके बट आई थिंक दैट्स ऑल। इनका स्पॉन लोकेशन जैसा कुछ है क्या? एक्सप्लोर, ओके एक्सप्लोर। ओ वो डोर खुल गया, वो जो बंद था ना डोर, नाइस। आई कैन सी ऑल, आई कैन ऑलरेडी सी एनिमीज देयर। This is a bad spot. Yep, अब ठीक है। Enemies किधर है? Enemies किधर है? Enemies किधर है? किधर गई है? भाग क्यों रही है? ओके लेट्स गो, हमें और चार पार्ट्स चाहिए वो चालू करने के लिए। किधर है पार्ट्स? नहीं मिले एक भी, होगा इधर कहीं पे, ढूंढना पड़ेगा अच्छे से, ढूंढना पड़ेगा। ओ ये क्या है? पिकअप, ये पड़ा है, एक मिल गया। स्कैन स्टिल कैरी टू, ओके दो। आई थिंक हमें और एक चाहिए इफ आई एम करेक्ट, कि इससे काम हो जाएगा, एक और होगा।
ये रहा, ओके गॉट इट। तो हमें सारे पार्ट्स मिल गए। ये वाला मिशन थोड़ा सा लंबा लग रहा है। मुझे लग रहा है वो जो तीनों पार्ट्स लगाने के बाद ना, वो जो डोर खुलेंगे उसके पीछे में भी बॉस फाइट या जो भी हम ढूंढ रहे हैं मिशन का एंड होगा। तो अभी नहीं करते हैं क्योंकि एपिसोड ऑलरेडी लंबा हो चुका है एंड बड़ा हो जाएगा, और नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं एंड मुझे रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा वापस जाने का। ओके तो ये वाला एपिसोड इधर ही रैप अप करते हैं। आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।